हेलो दोस्त, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। यहाँ पर मैं प्रज्वल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज बच्चों हम आपका पहला लेसन स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट्स मतलब ठोस अवस्था क्या होती है बच्चों, तो सबसे पहले हम जानेंगे ठोस अवस्था क्या होती है और इसके बाद ठोस अवस्था के प्रकार कितने होंगे उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बच्चों ठोस अवस्था, जैसे कि बच्चों आपका ये मार्कर है, ये क्या है बच्चों? ठोस अवस्था है। अब हम कहेंगे कैसे ये ठोस अवस्था है। अगर हम देखें तो इसका आयतन और आकार बच्चों क्या है? निश्चित है। कहने का मतलब क्या, आयतन से क्या मतलब है? कोई भी वस्तु आकाश में जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। किसी भी वस्तु द्वारा आकाश में रिक्त स्थान में घेरा गया स्थान क्या कहलाता है बच्चों? आयतन कहलाता है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम आपको बता दें कि आयतन क्या होता है बच्चों। आयतन मीन्स वॉल्यूम। तो आयतन क्या होता है बच्चों? किसी वस्तु द्वारा आकाश में घिरा गया स्थान, आकाश मतलब बच्चों रिक्त स्थान, आकाश में घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? आयतन कहलाता है। किसी भी वस्तु द्वारा आकाश में घेरा गया स्थान आपका क्या कहलाता है बच्चों? आयतन कहलाएगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि आयतन को किससे हम प्रकट करेंगे, किससे बच्चों हम लिखेंगे। आप देखिए बच्चों, वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स क्या होता है बच्चों? आयतन। और वॉल्यूम का पहला लेटर क्या है? वी है। तो इसलिए हम इससे किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों? वी से। अब आगे लिखेंगे आयतन को V, आयतन को V से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। आयतन को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? V से प्रदर्शित करेंगे। और ये बात करें बच्चों मात्रक की, यदि हम सब चीज़ें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में ले बच्चों, तो इसका जो मात्रक निकल के आएगा क्या निकलेगा? मीटर क्यूब निकल के आएगा। तो मतलब इसका मात्रक मीटर क्यूब होता है। तो ये बच्चों आपका क्या रहा? आयतन क्या होता है। इसके बाद बच्चों कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि आयतन और क्षेत्रफल में क्या अंतर है। तो बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी वस्तु द्वारा या किसी क्षेत्र की माप, किसी क्षेत्र की माप बच्चों क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। किसी क्षेत्र की माप क्या कहलाता है बच्चों? क्षेत्रफल कहलाता है। और क्षेत्रफल को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल मीन्स एरिया। तो बच्चों यहां पर एरिया क्या होगा? किसी क्षेत्र की माप क्षेत्रफल कहलाता है। इसको ए से, बच्चों इसका देखिए स्टार्टिंग लेटर क्या है? ए है। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? ए से प्रदर्शित करेंगे। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? आपको पता है
क्षेत्रफल का मात्र क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि इसमें लंबाई होगी और क्या होती है आपकी चौड़ाई होती है। तो इसका मात्रक क्या बच्चों, इसका मात्रक बच्चों क्या निकल के आएगा, मीटर स्क्वायर होता है। बच्चों इतनी चीजें हम जान लिए, अब बात करते हैं आकार कि किसी भी पदार्थ का आकार क्या होता है बच्चों। तो जैसे ये आपका मार्कर है, मार्कर बच्चों जैसा दिख रहा है ये इसका क्या है, आकार है। हम जैसे दिख रहे हैं ये हमारा क्या बच्चों, आकार है, शेप है। अब बात करेंगे बच्चों कि अब ठोस अवस्था क्या होती है। तो बचपन से पढ़ते आए हैं बच्चों कि वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकार निश्चित हो, बना रहे, डिफिनिट रहे, उसे हम क्या कहेंगे, ठोस अवस्था कहेंगे। लेकिन क्या बच्चों, हमने कभी गौर किया कि ठोस अवस्था में आपके आयतन और आकार क्यों निश्चित होते हैं? तो ध्यान दीजिए बच्चों कि ऐसा पाया गया है, ऐसा होता है बच्चों कि कोई भी पदार्थ यदि ठोस होगा, अगर कोई पदार्थ बच्चों क्या है आपका ठोस है, तो उसके जो बच्चों कण होंगे, जो उसके पार्टिकल्स होंगे, उसके जो अवयवी कण होंगे बच्चों, और अवयवी कण जो बच्चों होंगे वो एक दूसरे से जुड़े होंगे और उनके बीच की दूरी न्यूनतम होगी। तो पदार्थ की इस अवस्था को बच्चों हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। बच्चे देखिए, हमने यहाँ पर एक ड्रा किया है, इसमें देखिए आपके पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे के बहुत समीप है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बच्चों। अब इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब वो फोर्स क्या होगा बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको बच्चों हम कहते हैं अंतरा आणविक बल। अच्छा ये बताइए बच्चों, अगर कोई दो पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे से जुड़े हुए बच्चों तो क्यों जुड़े हुए हैं, मतलब इनके बीच तो कोई बल है ना। जैसे हमने इन दोनों हाथों को बांध दिया, पकड़ लिया इन दोनों हाथों को, अब ये हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ बच्चों कुछ बल लग रहा है, यहाँ पे कुछ बल फोर्स लग रहा है। तो इसी प्रकार से जब कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके बीच एक बल वर्क करता है बच्चों। अगर समान कण होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और असमान होंगे तो बच्चों क्या होगा आपका, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो बल लग रहा है आपका, अंतर आणविक बल लग रहा है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका लग रहा है। तो कहने का मतलब क्या निकला बच्चों, क्या ये फोर्स ज़्यादा होगा, क्या ये फोर्स कम होगा बच्चों? अब ये कण बच्चों पास पास में है, अगर ये कण पास पास, मतलब ये फोर्स आपका ज़्यादा, अगर ये कण दूर दूर होते तो मतलब अंतरा आणविक बल बच्चों कम, और ज़्यादा बहुत दूर होते मतलब सबसे ज़्यादा कम। तो यहाँ पे पास पास है ना बच्चों, तो आप कहेंगे अंतरा आणविक बल जो होगा बच्चों यह क्या होता, अधिकतम होता है। अंतरा आणविक बल क्या होगा बच्चों, आपका अधिकतम होगा, और जब अंतरा आणविक बल बच्चों अधिकतम होगा तो मतलब कणों के बीच की दूरी न्यूनतम होगी, कणों के बीच की दूरी बच्चों क्या होगी आपकी, न्यूनतम होगी। तो एक बात आपको निकल कर आई, अगर अधिकतम तो कणों के बीच की दूरी क्या होगी बच्चों, न्यूनतम।
तो एक बात बच्चों निकल के आई कि ठोस अवस्था क्या है। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें कणों के बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल, क्या बच्चों, जिसमें कणों के बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल क्या बच्चों, अधिकतम हो, और कणों के बीच की दूरी क्या बच्चों, न्यूनतम हो, उसको हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। क्या निकल के आया बच्चों ठोस अवस्था, डिफिनीशन क्या निकल के आया बच्चों ठोस अवस्था की, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इसका बच्चों ये बात करें डिफिनीशन की, क्या बच्चों डिफिनीशन की, तो डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या बच्चों, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कणों के बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल अधिकतम हो और उनके बीच की दूरी क्या हो बच्चों, न्यूनतम हो, मतलब पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कणों के बीच लगने वाला बल क्या हो बच्चों, अधिकतम हो, लगने वाला बल मतलब बच्चों अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल बच्चों क्या हो, अधिकतम हो, तथा कणों के बीच की दूरी न्यूनतम हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों, ठोस अवस्था कहते हैं, उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं, पदार्थ की क्या कहते हैं बच्चों, ठोस अवस्था कहते हैं। अब बच्चों अगर हम बात करें ठोस अवस्था, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हुई। अब सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे ठोस अवस्था के गुणधर्म, कि ठोस पदार्थों के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों कि इनके बीच लगने वाला बल क्या होता है, अधिकतम होता है। दूसरी बात, कणों के बीच की दूरी क्या होती है, न्यूनतम होती है। तीसरी बात, अगर लगने वाला बल अधिकतम और कणों के बीच की दूरी न्यूनतम, तो आयतन और आकार बच्चों क्या होता है, निश्चित होता है। चौथा, ये बच्चों क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, मतलब कहने कि यदि हम इन पर फोर्स लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो इनका आकार अपरिवर्तित रहेगा। और चौथा बच्चों कि ये भंगुर भी होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बच्चों, कुछ हैं जो आघात वर्धनीय होते हैं, लेकिन कुछ हैं बच्चों जो भंगुर होते हैं, और भंगुर के साथ साथ बच्चों कठोर भी मिलेंगे। तो अब बात करेंगे इनके गुणधर्म की, क्या बच्चों, गुणधर्म प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या बच्चों ने बताया आपको, फर्स्ट पॉइंट बच्चों अंतरा आणविक बल अधिकतम होता है। फर्स्ट पॉइंट बच्चों क्या बताया, अंतरा आणविक बल अधिकतम होता है। दूसरा बच्चों, कणों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। कणों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है।
कणों के बीच की दूरी क्या होती है बच्चों? न्यूनतम होती है। और बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हम इसके ऊपर लिख देते हैं, तीसरी बात बच्चों, ठोस के आयतन व आकार निश्चित होते हैं और अगली बात बच्चों हमने क्या बताया आपके ठोस असंपीड्य नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। और अगली बात बच्चों क्या हमने बताया आपको कि ठोस कठोर भंगुर, बच्चों कोई कोई ठोस भंगुर होते हैं और कुछ को क्या होते हैं आघात वर्धनी भी होते हैं। आदि होते हैं। तो ये बच्चों क्या रही आपकी ठोस अवस्था के बारे में रही। अब बच्चों यदि हम कणों की व्यवस्था के आधार पर बात करें, यदि हम कणों की व्यवस्था के आधार पर बात करें बच्चों, तो ठोस आपके दो प्रकार के, कौन कौन? एक क्रिस्टली ठोस और एक क्या होगा अक्रिस्टली ठोस होगा। अब बच्चों क्रिस्टली ठोस क्या होगा? जैसे कि बच्चों हमने यहाँ पर दो प्रकार के बच्चों कणों की व्यवस्था बना रहे हैं आपका, ए बी, ए बी, ए बी और ए बी। और बच्चे एक व्यवस्था में ये बना रहे हैं आपका ए बी, बी ए, ए ए, बी बी, ए ए ए, ए बी, बी बी बी, ए ए ए, ए बी और बी। बच्चे यहाँ पर आप देखिए कि कणों की व्यवस्था ए के बाद बी, बी के बाद ए, फिर ए के बाद बी आ रहा है बच्चों। एक नियमित व्यवस्था पाएंगे और यहाँ पर बी के बाद ए, फिर बी के बाद ए, फिर बी के बाद ए, फिर बी के बाद ए, मतलब यहाँ पर जो व्यवस्था पाएंगे बच्चों एक नियमित व्यवस्था पाएंगे। और बच्चों यहाँ पर जो आप पाएंगे देखिए ए, फिर बी, फिर बी, फिर ए ए ए, फिर बी बी, फिर ए ए ए, तो इस प्रकार की व्यवस्था। ए है बच्चों, बी है, फिर आपका ए ए आता चला गया, फिर बी बी आता चला गया, फिर ए बी, ए बी, फिर ए ए आता चला गया, मतलब जो कणों की व्यवस्था क्या बच्चों अनियमित है। यहाँ पे बच्चों क्या है रेगुलर है, यहाँ पे क्या है इरेगुलर है। तो कहने का मतलब निकला कि कणों की व्यवस्था दो प्रकार से हो सकती है, एक रेगुलर और एक बच्चों इरेगुलर। अगर रेगुलर होगी नियमित व्यवस्था होगी तो इसके लिए बच्चों एक शब्द उपयोग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं क्रिस्टली कहते हैं। क्या बच्चों? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टली ठोस मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसे क्या बच्चों कहते हैं आपका अक्रिस्टली ठोस, एमॉर्फस सॉलिड। तो बच्चों हमने क्या सीखा है यहाँ पर ठोस दो प्रकार के, एक क्रिस्टली और एक अक्रिस्टली। और क्रिस्टली ठोस क्या बच्चों? वह ठोस जिसमें कण अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे क्रिस्टली ठोस कहेंगे।
और वह ठोस जिसमें कण अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते उन्हें हम क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। इतनी बातें आई। अब बात करेंगे बच्चों क्रिस्टलीय ठोस जो है, आप एग्जाम्पल तो जो बच्चों धातुएं होती हैं, सोडियम क्लोराइड क्या है बच्चों, जो आपके धातुएं हैं ये सब क्या है बच्चों, क्रिस्टलीय जैसे बच्चों आपका सोडियम क्लोराइड और बच्चों जैसे आपके धातुएं, ये सब आपकी क्या कहलाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाती है। जैसे बच्चों अक्रिस्टलीय में जैसे कि आपका मार्कर, जैसे कि आपका पेंसिल, जैसे कि आपका कलम, जैसे कि आपका मोबाइल, ये सब क्या है बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोस हैं। कभी भी आप इन्हें तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो आप कभी भी प्लेन सरफेस नहीं पाएंगे बच्चों, मतलब इनके कणों की व्यवस्था क्या होती, अनियमित होती है। तो मतलब ये निकल के आया आ गया कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार से पहले बच्चों में यहाँ पर ठोस के प्रकार टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो ठोस के प्रकार क्या बच्चों, तो ठोस कितने प्रकार के बच्चों, दो प्रकार के, कौन कौन, एक बच्चों क्रिस्टलीय ठोस, और एक बच्चों क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। तो बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्या बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि वह ठोस जिसमें अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसमें क्या लिखे बच्चों, वह ठोस जिसके अवयवी कण, अवयवी कण बच्चों क्या हो सकते हैं आपके, परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। वह ठोस जिसके अवयवी कण नियमित ज्यामिति व्यवस्था, नियमित जिसके अवयवी कण नियमित ज्यामिति व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे बच्चों सभी धातुएं, लेकिन बच्चों ये मत सोच लीजिए कि मरकरी, मरकरी तो क्या है आपका, एक ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैलियम, सीजियम, ये ऐसे धातुएं हैं जिनको आप अपने हाथ पे रखेंगे बच्चों तो गलना स्टार्ट हो जाएंगे, ये सब क्रिस्टलीय ठोस नहीं है बच्चों, इनको हम शामिल नहीं है सभी धातुएं कुछ को छोड़कर बच्चों। अब बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, अमॉर्फस सॉलिड। इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, वह ठोस जिसके अवयवी कण, जिसके अवयवी कण परमाणु, अणु या बच्चों आयन अनियमित व्यवस्था में होते हैं। नियमित का विलोम क्या होता है, अनियमित, अनियमित
व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे बच्चों कांच, पेंसिल, अधातु आदि। तो बच्चों ये चीज आपका क्रिस्टली हो गया और क्या हो गया आपका अक्रिस्टली। कल बच्चों आपका डिस्कशन करेंगे कि क्रिस्टली और अक्रिस्टली में बच्चों हम अंतर कैसे कर सकते हैं। यह हेडिंग आपके लिए बच्चों क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आप लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद और जय भारत।